फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोबिल्लापुर रेलवे स्टेशन के बारे में, जहां पर हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ विकास कार्य किए जाएं। सभी ट्रेनों का ठहराव है मोबिल्लापुर रेलवे स्टेशन पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यात्रियों की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उतरने वालों की भी और चढ़ने वालों की भी। भारी तादाद में यहाँ पर यात्री चढ़ते उतरते हैं। आप लोगों को हम कई बार दिखा भी चुके हैं। मोबिल्लापुर रेलवे स्टेशन जो लखनऊ मैलानी रूट पर पड़ता है, डालीगंज रेलवे स्टेशन के पास में हाई लेवल का प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं दोनों, और हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर टीन शेड लगाई जाए दोनों ही छोर पर, एक यहाँ पर और एक दूसरे छोर पर, और प्लेटफॉर्म नंबर दो पर भी टीन शेड जो प्लेटफॉर्म पर लगे हुए हैं मोबिल्लापुर रेलवे स्टेशन पर, वो काफ़ी छोटे हैं। बरसात जब होती है तो सब लोग इसमें आ नहीं पाते हैं, तो टीन शेड बढ़ाए जाने की यहाँ पर ज़रूरत है। पीने के पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि जब सारी ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं तो जनरल कोचेस कभी आगे कभी पीछे लगे होते हैं, तो ऐसे में यात्रियों को इधर उधर भागना पड़ता है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर ऐसा होना चाहिए। फुट ओवर ब्रिज पर आने वाले समय में हो सकता है कि एक्सकेलेटर भी लगाए जाएँ। पत्र तो एक मिला है, लेकिन उस पर कब काम होगा, कब अमल होगा, इस बारे में नहीं कह सकते हैं। तो इस वजह से हम संभावना ही जता रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब यहाँ पर होगा। सारी ट्रेनों के ठहराव से मतलब है कि पैसेंजर ट्रेन तो यहाँ पर रुकती ही हैं, जो दो एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं इस रूट पर वो भी यहाँ पर ठहरती हैं, गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस और वहीं आपकी LTT से सीतापुर के बीच में चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, और बीच में समर स्पेशल ट्रेन का भी संचालन हुआ था तो उसका भी ठहराव यहाँ पर दिया गया था, लेकिन डालीगंज लखनऊ सिटी पर नहीं दिया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण होता जा रहा है सभी लोगों के लिए, और आमदनी भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ से। तो ऐसे में इसकी जो देखभाल का काम है वो करना चाहिए, रिडेवलपमेंट का काम यहाँ पर करना चाहिए। हाई लेवल के प्लेटफॉर्म हैं और ट्रेनें जब यहाँ पर रुकती हैं तो आधी आधी ट्रेनें खाली हो जाती हैं, ज़्यादातर लोग यहीं पर उतर जाते हैं IIM की तरफ जाने के लिए भी, यानी कानपुर की तरफ या दुबग्गा, और वहीं गोमती नगर की तरफ जाने के लिए भी, क्योंकि मेन पॉइंट हो गया है यहाँ पर और लोगों को यहाँ से सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं आने जाने के लिए। क्योंकि जैसे गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस है या मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस है तो वो यहीं पर ज़्यादातर लोग उतर जाते हैं, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद वो गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है 15010 नंबर की ट्रेन, जबकि यहाँ से ऑटो पकड़ के आधे पौन घंटे में ही वो घर पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए कई जगहों के लिए ये रेलवे स्टेशन काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा हो सकता है आने वाले समय में कोच इंडिकेटर डिस्प्ले भी लगा दिया जाए, और जो ट्रेन्स एट ए ग्लैंस वाली जो आपके बड़े बोर्ड होते हैं जो लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर हमने दिखाया, वो भी लगाए जा सकते हैं। ट्रेन के अराइवल के जो प्लेटफॉर्म पर जो LED बोर्ड लगे होते हैं उनको भी लगाया जा सकता है। तो कुल कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस रेलवे स्टेशन के दिन बहुत सकते हैं। भीड़ आप लोग खुद भी देख सकते हैं 05:88 की शाम को 6:25 पर जब ये ट्रेन अराइव हो रही है, उस समय हमने इस वीडियो को शूट किया था। अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कितने यात्री यहाँ पर चढ़ते उतरते हैं। फिलहाल ये ट्रेन तो यहीं से आई है, इसलिए चढ़ने वालों की तादाद बहुत है। दोपहर में एक और ट्रेन हो जाए मैलानी की दिशा में 1-2 बजे के करीब में, तो और भी अच्छी बात होगी। रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए, वो ट्रेन भी फुलाफुल चला करेगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।